तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पूरा डिस्क्राइब करेंगे हम लोग बेहतर तरीके से। मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो में आप अंत तक बन रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। और इससे पहले मैंने एक चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है आपका फ्रेजल बाइप्रिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नेट एंड स्केच डायग्राम बनाना होगा, यानी काफ़ी फ्रेश डायग्राम और अच्छी तरीके से आप उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेसिकली आपको एक प्लेट दिख रहा होगा, एक स्क्रीन, उसमें ए बी के और ई और एस वन एस टू और ये आपका एस लिया गया है, इसके बीच का डिस्टेंस डी मैंने लिया है और यहाँ पर क्यू है और 179 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री का है, ये प्रिज्म हो गया आपका। और देख सकते हैं किस तरह से लाइट आपका पास हो रहा है, क्या इसका प्रोसीजर है, और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने कैपिटल डी लिया। क्लियर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा कंटेंट है ये, आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। क्लियर, तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ अ डिवाइस टू ऑब्टेन टू कोहेरेंट सोर्सेज टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, यानी एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो ऑप्टेंट करता है टू कोहेरेंट सोर्सेज को, जो प्रोड्यूस करता है इंटरफेरेंस को, एंड इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म प्लेस्ड बेस टू बेस, यानी ये कम्बिनेशन होता है दो प्रिज्म का जो बेस टू बेस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फ्रिंग्स, यानी किस तरह से फ्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है, तो इसमें कह रहा है कि द मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम सोर्स एस इज अलाउड टू द फॉल नॉर्मली ऑन द प्रिज्म पी द एच क्यू डिवाइडर द प्रिज्म इंटू द टू पार्ट, यानी जो आपका एच क्यू है वो डिवाइड कर रहा है किसको, बीम को दो पार्ट में, एंड वेयर लाइट पासिंग फ्रॉम द अपर एंड द लोअर हॉल ऑफ द प्रिज्म, और जब आपका लाइट अपर और लोअर बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, पास हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेन लाइट फॉल ऑन द लोअर हाफ ऑफ द प्रिज्म, जब आपका लाइट लोअर हाफ ऑफ प्रिज्म के द्वारा पास हो रहा है, आफ्टर रिफ्रेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द वर्चुअल सोर्स, तो वो आपका क्या होगा, वर्चुअल सोर्स के द्वारा अपीयर होगा एस टू, एंड वर्चुअल सोर्स आपका एस टू के द्वारा निकलेगा। एंड इफ़ द लाइट फॉल ऑन द अपर हाफ ऑफ द प्रिज्म, जब आपका लाइट अपर हाफ ऑफ द प्रिज्म के द्वारा निकलता है, आफ्टर रिफ्रेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द वर्चुअल फंक्शन एस वन, बोथ द सोर्सेज एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स, और ये जो सोर्सेज हैं वो बिल्कुल आपके कोहेरेंट सोर्स के जैसे काम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस वन एस टू आपको दिख रहा होगा, प्रिज्म आपको दिया है। क्लियर, और उसके बाद फ्रेंड आपका कह रहा है कि कॉर्नर ऑफ लाइट बी एस वन ई एंड ए एस टू के डाइवर्जिंग फ्रॉम द सोर्स एस वन एंड एस टू आर सुपर प्रिज्म पास्ड एंड इंटरफेरेंस फ्रिंग्स आर फॉर्म्ड इन द ओवरलैपिंग रीजन बी के, यानी जो आपका कॉर्नर लाइट है जैसे बी एस वन डी के, बी एस वन आपका और डी के आपका जो है, ये आपका क्या है, एक प्रकार का लाइट सोर्स है जो जिसके थ्रू आपका जो ओवर लैपिंग हो रहा है वो हो रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है कि फ्रेजल बाई प्रिज्म क्या है, वो होता है क्या, उसका प्रोसेस होता है, तो आप कम से कम इतनी चीज़ों को लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। और आपका सेकेंड टॉपिक है वो है आपका न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले आपको इसका एक नेट स्केच डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे माइक्रोस्कोप, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया है, ये आपका ग्लास है और ग्लास के थ्रू ये आपका लेंस यहाँ पे लगाया गया है जिससे लाइट पास हो रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर, यहाँ पे पी आपका जो प्लेन ग्लास प्लेट होता है और सी आपका एक पॉइंट लिया गया है। क्लियर, इसमें कुछ स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, कह रहा है कि व्हेन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विथ इट्स कॉन्वेक्स सरफेस इज पास्ड ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट ऑन एयर फिल्म ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द थिकनेस इज फॉर्म बिटवीन द प्लेन ग्लास प्लेट एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी जब कोई भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स सर्फेस के द्वारा क्या होता है, प्लेस्ड होता है ग्लास प्लेट के द्वारा, तो वो फॉर्म्ड होता है किसके बीच में, आपका प्लेन ग्लास प्लेट एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। क्लियर, उसके बाद पॉइंट कह रहा है कि इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल नॉर्मली ऑन द फिल्म, जब आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट नॉर्मली फॉल होता है किसमें, आपके फिल्म में, अल्टरनेट डार्क एंड द ब्राइट रिंग आर फॉर्म, तो उस कंडीशन में जो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग होता है वो क्या होता है, बनता है बिटवीन किसके बीच में, लेंस एंड द प्लेन ग्लास की प्लेट के बीच में, यानी लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट आपको जो दिख रहा होगा इसके बीच में आपका जो एक रिंग होता है वो आपका बनता है। क्लियर,
उसके बाद कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग, यानी न्यूटन रिंग का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। एग्जामिनेशन में अगर न्यूटन्स रिंग आएगा तो आपको इतनी चीज़ों को लिखना है, फॉर्मेशन को भी लिखना है, क्लियर। तो उसमें कह रहा है कि द रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरफेरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम टॉप एंड बॉटम सर्फेस ऑफ एयर फिल्म, क्लियर। तो यहाँ पे आई होप थोड़ा सा हो सकता है कि फिगर आपको दिखे नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पे एक प्लेन आपका दिख रहा होगा, प्लेन प्लेट, यहाँ पे आपका पॉइंट सी है, ये ओ है, यहाँ पे आर वन आपका बाहर जा रहा है, यहाँ पे भी आर वन है, क्लियर। और यहाँ पे ए आपका लाइट है जो इधर से पास हो रहा है, यानी आपका अंदर की तरफ ये लाइट सोर्स आ रहा है, ये आपका लेंस है। तो इसमें कह रहा है कि द लाइट रे ए बी फॉल ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द फिल्म एट द पॉइंट सी, यानी जो लाइट ए बी है वो फॉल हो रहा है कि इस पर आपके पॉइंट सी पे, एंड डिवाइड इनटू द टू पार्ट, तो टू पार्ट में आपका डिवाइड हो रहा है, एक आपका सी आर वन में और साथ ही साथ आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है किसके बीच में, डी के तरफ आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है एट अ पॉइंट ओ, एंड इट इज़ गेन रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग डी आर टू एंड दे रे, द रे आर वन एंड आर टू आर द प्रोड्यूस्ड कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस इज फुलफिल एंड डार्क एंड ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म्ड, क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन है, वो है आपका डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द टू डिफरेंट वेव फ्रंट फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, और इसमें है कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सम वेव फ्रंट। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इंटरफेरेंस फ्रिंग्स, इंटरफेरेंस फ्रिंग्स आर द सम विर्थ, यानी इसके पास कुछ विर्थ होता है, एंड डिफ्रेक्शन फ्रिंग्स आर नॉट सम विर्थ, और उसके पास कोई भी विर्थ नहीं होता। उसका कह रहे हैं कि डार्क फ्रिंग्स आर परफेक्टली डार्क, यानी जो डार्क फ्रिंग होता है वो परफेक्टली डार्क होता है, और डार्क इसमें जो डार्क फ्रिंग होता है वो डार्क नहीं होता, एंड ऑल ब्राइट बॉन्ड्स आर सेम इंटेंसिटी, यानी उसके पास सेम इंटेंसिटी होता है, एंड ऑल ब्राइट बैंड आर नॉट सेम इंटेंसिटी। तो ये आपका डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में। उसके बाद फ्रेंड आपका अगर कह रहा है कि सिंगल लाइट डिफ्रेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि ए बी इज एन ओपनिंग ऑफ अ वाइड जीरो अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस डी सच दैट वेव फ्रॉम ए एंड बी रीच एट द सम डिस्टेंस एंड सम फेज दैट इज जीरो इज द सेंट्रल ब्राइट एंड लेट पी इज अ पॉइंट एट एलिवेशन क्यू। तो यहाँ पे देखिए ये आपका बेसिकली एग्जाम्पल, ये आपका बेसिकली डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। डी आपको डिस्टेंस दिख रहा होगा, दो प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है, ए बी आपको पॉइंट दिख रहा होगा, डिस्टेंस आपका ए और वाई यहाँ पे दिख रहा होगा। पार्ट डिफरेंस की बात करूँ ए एंड बी के बीच में, तो आप देख सकते हैं क्या होगा, बी पी माइनस क्या होगा आपका ए पी, ट्रिग्नोमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आपका जो आएगा ए टैन थीटा इज इक्वल टू बी एन, क्लियर। उसका फ्रेंड आपका है कि कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा ब्राइट के लिए, तो यहाँ पे ब्राइट के लिए ये आपका फॉर्मूला आएगा, यानी ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, जहाँ पे एन का वैल्यू 1, 2, 3, 4 होगा, क्लियर। कंडीशन फॉर द जनरली मिनिमा के कंडीशन में आपका डार्क होगा, तो डार्क के कंडीशन में हम लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, डैट मीन्स ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा होगा, और एन के जगह पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन टर्म आपके आएंगे, क्लियर। आपका अगला कह रहा है कि डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, तो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, तो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग इज एन आर्गुमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेवरल पैरेलल एंड द इक्विडिस्टेंस साइड स्लाइट ईच ऑफ द इक्वल वेथ, यानी जो डिफरेंस ग्रेटिंग होता है ये एक प्रकार का आर्गुमेंट होता है जो कंसिस्ट करता है सेवरल पैरेलल एंड कोइंसिडेंट स्लाइट को एक इक्वल वेथ में। कंस्ट्रक्शन किस तरह से इसका होता है, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में ये स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, तो आप इस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, और इसमें एक फिगर दिया हुआ है, फिगर को भी आपको बनाना होगा, और ये आपका थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं, क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोनों फिगर को आप थोड़ा सा बनाइएगा, क्लियर। और इंटरसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और किस तरह से उसका होता है प्रोसेस, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, इसके फॉर्मूलाज को यहाँ पे आपका फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। तो ये इन टू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप ये आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जल्दी मिलेंगे हम यूनिट 3 के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।